दिस यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल बैलिस्टिक्स के पार्ट वन के बारे में ठीक है इससे पहले जो टॉपिक आया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो बैलिस्टिक्स रहता है उसके कितने एलिमेंट्स रहते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो बैलिस्टिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एंड टर्मिनल ठीक है internal, terminal, यहाँ पर हम पूरा ओवरऑल जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड एक एक करके हम हर टॉपिक को अच्छे से कम्प्लीट करेंगे ठीक है सो इंटरनल बैलिस्टिक्स का ये आपका पार्ट वन है जहाँ पर हम बेसिक्स देखेंगे इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है तो वो कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं डायग्राम की हेल्प से उसको समझेंगे एंड इसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ों की स्टडी करी जाती है क्या क्या इसमें मेकैनिज़म होती है वो सारा का सारा इसमें हम समझने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है वो क्या होता है ठीक है सो इंटरनल बैलिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वट हैपन्स विद इन द बैरल ऑफ अ वेपन फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द फायरिंग पेन हिट्स द प्राइमर टू द टाइम ऑफ द बुलेट एग्जिट फ्रॉम द बैरल ठीक है सो बेसिकली जो आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है वो बैरल के अंदर जितना कुछ भी आपके होता है फोनॉमिनल जो कुछ होता है उसको इंटरनल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं इसमें बेसिकली उस मोमेंट से जिस मोमेंट में जिस मोमेंट पे जो फायरिंग पिन रहती है वो आपके प्राइमर कप पे हिट करती है वहाँ से लेकर के जब तक कि जो आपकी बुलेट रहती है वो आपकी बैरल से एग्जिट नहीं कर जाती ठीक है so, सो इनके बीच में जितनी भी मेकानिज़म होती है उसको आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है ठीक है इसके अलावा इट डील्स विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स कमिंग एज सून एज द फर्स्ट ग्रेन ऑफ प्रोपेलेंट इज इग्निटेड एंड सबसेट्स टिल द प्रोजेक्टाइल लीवस द मजल एंड ऑफ द वेपन ठीक है सो जो आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स है उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी कह सकते हैं ठीक है सो so, इसमें बेसिकली क्या होता है ये जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का उसके बारे में इसमें स्टडी करी जाती है इसमें बेसिकली जो आपका प्रोपिलेंट रहता है उसका जो फर्स्ट ग्रेन बर्न होना स्टार्ट होता है वहाँ से ये आपकी पूरी मेकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक इस जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है वो आपके मजल एंड वेपन का जो मजल एंड होता है उसको छोड़ नहीं देता ठीक है so, सो ये आपका इसके बीच में जितने भी मकानिज्म होती है उसको आपको इंटरनल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है इसके अलावा दिस स्टडी इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स कंसर्निंग द इम्पल्स विच मेक्स द प्रोजेक्टाइल मूव आउट फ्रॉम द मजल इन एयर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ प्रोजेक्टाइल ऑपटेंस इट्स एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड इट रिमेंस इन द फायर आर्म्स दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड अंडर द थ्री ओके सो बेसिकली जो आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स रहता है इसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है कुछ टाइम लगता है तो ये जो पूरा टाइम रहता है जो पूरा पीरियड रहता है इसके बीच में उसको बेसिकली हम तीन में डिवाइड करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट आता है लॉक टाइम सेकेंड होता है इग्निशन टाइम एंड थर्ड होता है आपका बैरल टाइम ठीक है सो ये जो आपके तीन होते हैं लॉक टाइम इग्निशन टाइम बैरल टाइम ये आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ठीक है so सो अभी हम इसको पहले देख लेते हैं कि जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है So, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोज़ करिए ये आपकी जो है ये बैरल है इसके जो पीछे का साइड होगा ये पूरा आपका फायरम होगा यहाँ पर आपको इतना पोर्शन दिख रहा है ये जो आपका बैरल का बिल्कुल फ्रंट एंड होता है जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मजल एंड ठीक है सो मजल एंड से जब आपकी बुलेट लीव कर जाती है या आपकी बुलेट जो है मजल एंड से आपकी बाहर निकल चुकी है तो इसके बाहर आपका जितना भी रहता है वो आपका एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स या फिर एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है इसके अलावा जब तक ये आपकी बुलेट आपकी फायर आर्म के अंदर है एंड फायरिंग पिन जो रहती है वो आपकी जो हैमर रहता है जो आपका फायरिंग पिन रहता है वो जब प्रा, प्राइमर कैप को हिट करती है इसके बीच में जितने ही मेकेनिज्म होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल बैलिस्टिक्स या फिर इंटीरियर बैलिस्टिक्स ठीक है सो तो जब इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है उसमें बेसिकली जो बोर रहता है उसका एरोजन जो रहता है उसका स्टडी होता है जो प्रॉपिलिंग प्रॉपिलियन जो होता है प्रोपिलिंग चार्ज एंड बर्निंग जो रेट होता है उसके बारे में पूरा देखा जाता है पाउडर का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में देखा जाता है जो डेंसिटी होती है एंड आपका यहाँ पर इसके बारे में भी जो मैनर ऑफ लोडिंग होता है तो ये सारा का सारा आपका देखा जाता है इंटरनल बैलिस्टिक्स के अंदर में क्योंकि ये सारे के सारे फिनोमेना आपके जो बैरल रहता है वेपन का उसके अंदर ही होते हैं जैसे ही आपकी जो बुलेट रहती है ये आपकी लीव कर जाती है आपकी वेपन के बैरल को आपका जो वेपन होता है उसके मज़ल इनको जैसे ही लीव करती है वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स उसके बाद से आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स ख़त्म हो जाता है एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स स्टार्ट हो जाता है ठीक है सो ये हो गया आपका एंड अभी हम इसको एक डायग्राम से और समझते हैं सो so, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आपका पूरा फायर आर्म है जो कि एक पिस्टल है ये बेसिकली यहाँ पर ये आपका ट्रिगर है ट्रिगर गार्ड है ये आपका ट्रिगर होता है सो so, जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो आपका हैमर रहता है वो आपके फायरिंग पिन को हिट करता है ये आपकी फायरिंग पिन है ये आपके फायरिंग पिन को हैमर हिट करता है एंड जैसे ही वो आपका हैमर uh, को हिट करता है वो आपका जो प्राइमिंग कैप होता है वो जो आपके यहाँ पर बुलेट देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट है इस बुलेट के प्राइमिंग कैप पर प्राइमिंग जो आपका कैप रहता है उसको हिट करता है तो जैसे ही ये फायरिंग पिन आपके कार्ट्रेज केस के आपके बुलेट के जो फायरिंग पिन रहता है जो आपका प्राइमर कैप रहता है वहाँ पर हिट करता है तो इसके अंदर काफ़ी सारी मेकानिज़म होती है सारे के सारे इतने पाउडर्स होते हैं प्रॉपलेंट्स होते हैं वो बर्न होना है, स्टार्ट होते हैं एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एंड बुलेट को बाहर के साइड में आपको फ़ोर्स लगाती हैं एंड आपकी जो ये आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बैरल है आपकी फायरंग की एंड जो बुलेट रहती है वो पूरा ट्रैवल करते हुए बाहर निकलती है ठीक है so, सो यहाँ पर जैसे ही आपकी जो बुलेट रहती है वो पहुँचती है ये होता है आपका मज़ल एंड ठीक है so, सो जैसे ही आपकी जो बुलेट रहती है वो यहाँ पर पहुँचती है एंड यहाँ से जैसे ही लीव करती है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में इधर जब आ गई लीव कर गई आपके मज़ल एंड को तो उसके बाद में आपका एक्सटर्नल स्टार्ट हुआ एंड जब तक वो आपके इस एंड तक नहीं पहुँची है तो इसके बीच में जितना भी फिनोमिना होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल बैलिस्टिक्स क्योंकि ये सारा का सारा फिनिना आपकी जो वेपन है उसके अंदर ही हो रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैगजीन लगी हुई है जहाँ पर ये इतनी सारी ये स्प्रिंग होती है जो कि आपकी जो बुलेट रहती है जो आपका कार्टवेज रहता है प्रोजेक्टाइल्स रहता है उसको पुश करती है एंड उसको चैम्बर में लेकर आती है ठीक है तो जैसे ही ये फायर हो जाता है तो बुलेट आपकी बाहर निकल जाती है एंड जो कार्ट्रेज केस रहता है वो आपका इधर साइड में बाहर निकल जाता है ठीक है एंड जैसे ही आप वापस से ट्रिगर को पुल करते हैं तो ये आपकी जो स्प्रिंग रहती है ये प्रेशर लगाती है एंड जो आपकी नेक्स्ट वाली प्रोजेक्टाइल सबसे ऊपर रहती है वो अपने चैम्बर की प्लेस ले लेती है ठीक है तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स का पोर्शन होता है इसमें जितना भी गैसेस प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जितना प्रेशर डेवलप होता है जो बैलिस्टिक और जो आपकी बुलेट रहती है वो आपकी बैरल में किस तरह से मोशन कर रही है ट्विस्ट कर रही है जो आपकी राइफलिंग होती है बैरल के अंदर तो वो सारा का सारा आपका स्टडी किया जाता है आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स के अंदर में ठीक है सो तो ये हो गया आपका एंड अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमने देखा था लॉक टाइम बैरल टाइम एंड इग्नेशन टाइम क्या होता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं ठीक है सो लॉक टाइम क्या होता है लॉक टाइम इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन रिलीज ऑफ द सीयर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइकर ऑन द पर कैप अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इज एडवाटेजियस इन रेपिड फायर The lock time can be measured in a number of ways. In, such, in one such system, the use of linear motion sensors and an oscilloscope is made सो so बेसिकली जो आपका लॉक टाइम होता है वो एक तरह से आपका टाइम इंटरवल होता है टाइम इंटरवल होता है किस चीज़ का इंटरवल होता है ये ये टाइम इंटरवल होता है ये जब तक आपका जो सीयर होता है वो रिलीज़ होता है एंड जैसे ही आपका स्ट्राइकर जो रहता है जो आपकी फायरिंग पिन रहती है वो इम्पैक्ट करती है आपके परक्यूजन कैप या उसको हम कह सकते हैं प्राइमर कैप पर ठीक है तो जैसे ही आपका सीयर रिलीज़ हुआ सीयर रिलीज़ हुआ हैमर को हिट किया हैमर हिट किया तो वो आपकी जो फायरिंग पिन थी वो फायरिंग पिन आपकी आ, हिट करी आपके जो आपका प्राइमर कैप है जो आपका परक्व्यूजन कैप है प्रोजेक्टाइल का उस पर हिट करी ठीक है तो इसके बीच में जितना भी टाइम रहता है उसको लॉक टाइम के अंदर इंक्लूड किया जाता है ठीक है so, सो ये होता है आपका लॉक टाइम जो आपका रिलीज ऑफ सीयर है एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइकर ऑन द पर्यूजन कैप इसके बीच का जितना भी टाइम होता है जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं लॉक टाइम ठीक है तो ये हो गया इसके अलावा अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इज़ एडवांटेजियस इन रैपिड फायर ये जो आपका बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होता है इसके बीच इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है ठीक है सो तो ये जो आपका बहुत ही ज़्यादा सा शॉर्ट सा टाइम इंटरवल होता है ये बहुत ज़्यादा आपका रैपिड फायर करने के लिए बहुत ही एडवांटेजियस होता है जो लॉक टाइम होता है इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं इन अ नंबर ऑफ वेज अलग अलग तरीके से इसको हम मेज़र कर सकते हैं इन वन सच सिस्टम अगर हम एक ऐसे सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या रहता है यूज़ ऑफ लीनियर मोशन सेंसर्स लीनियर मोशन सेंसर्स का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं लॉक टाइम का या फिर किसी भी आपका जो ऑसिलोस्कोप होता है उसके भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं ठीक है so सो ये होता है आपका लॉक टाइम एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है इग्निशन टाइम ठीक है सो इसमें क्या हुआ जैसे ही आपका जो प्राइमर था आपका प्राइमर था प्राइमर कैप पे जैसे ही आपकी फायरिंग पिन हिट करती है तो वैसे ही प्राइमर कप के अंदर जो आपका प्राइमर प्रेजेंट होता है उसमें इग्निशन स्टार्ट होता है ठीक है तो उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टाइम सो इसमें क्या रहता है इग्निशन टाइम इज़ द ड्यूरेशन और इंटरवल बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द फायरिंग पिन to blow the ignition of the first grain of powder, the ignition under the normal conditions takes place at an interval of about 0.002 seconds. ठीक है, so basically जो आपका ignition time होता है, ये एक तरह की duration होती है, duration होती है या फिर interval होता है, किसके between ये जो आपका interval होता है, ये होता है जैसे ही आपका firing pin strike करती है इस्ट्राइकिंग ऑफ द फायरिंग पिन स्ट्राइकिंग जो होती है आपकी फायरिंग पिन आपकी स्ट्राइक करती है प्राइमर कैप पर एंड जैसे ही वो स्ट्राइक करती है वैसे ही आपकी प्राइमर कैप में प्राइमर में इग्निशन स्टार्ट होता है एंड प्राइमर का जो आपका फर्स्ट ग्रेन जो आपका फर्स्ट ग्रेन होता है वो जैसे ही आपका बर्न करना स्टार्ट करता है जो ग्रेन होता है पाउडर का मतलब जो आपका इग्निशन स्टार्ट हुआ इग्निशन की वजह से आपका जो प्रोपिलेंट था वहाँ पर आपका जो प्रोपिलेंट का जो फर्स्ट ग्रेन था उसमें बर्निंग स्टार्ट हुई उसमें इग्निशन स्टार्ट हुआ ठीक है सो इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसको हम बोलते हैं इग्निशन टाइम मतलब कि सपोज करिए यहाँ पर आपकी एक तरह से बैरल मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है ये इसका प्राइमर कैप है एंड ये आपकी फायरिंग पिन है तो जैसे ही ये फायरिंग पिन यहाँ पर हिट करी यहाँ पर परक्यूजन कैप में इग्निशन हुआ एंड यहाँ पर आपके ये प्रोपिलेंस रखे हुए हैं तो मान लीजिए ये इसका एक ग्रेन है एंड ये जो आपका एक ग्रेन जो पहला ग्रेन था उसमें जैसे ही इसमें बर्निंग स्टार्ट होगी जैसे ही इसमें, इसमें इग्निशन स्टार्ट होगा ठीक है तो इसके बीच की जो ड्यूरेशन होती है इसको हम बोलते हैं आपका इग्निशन टाइम ठीक है सो आई होप आपको अभी चीज़ समझ में आ गई होगी क्या होता है इग्निशन टाइम ठीक है सो अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो इग्निशन टाइम रहता है जो इंटरवल रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेकेंड्स का होता है ठीक है सो ये हो गया आपका इग्निशन टाइम एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है बैरल टाइम ठीक है बैरल टाइम इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम द प्रेसिंग ऑफ द ट्रिगर to the exit of the bullet from the muzzle end. so basically जैसे ही आप अपने trigger को वेपन के trigger को press करते हो वैसे ही जब आपकी bullet जो रहती है travel करती है पूरी barrel में and muzzle end से leave कर जाती है तो जैसे ही muzzle end तक और जो आपका चैम्बर रहता है बैरल का तो इसके बीच में आपकी बैर जो आपकी बुलेट रहती है वो ट्रैवल करती है तो कितने टाइम तक आपकी जो बुलेट थी उसने ट्रैवल किया बैरल के अंदर अंदर उसको हम बोलते हैं बैरल टाइम एंड जैसे ही वो आपके मज़ल इंड को लीव कर जाती है तो जब तक वो मज़ल इंड तक थी वहाँ से लेकर के जब तक फायरिंग पिन ने हिट किया एंड वहाँ से आपका बुलेट में मोशन स्टार्ट हुआ उसके बीच की जो ड्यूरेशन रहती है उसको हम बोलते हैं बैरल टाइम ठीक है सपोज़ यहाँ पर यह आपकी बैरल है एंड यहाँ पर आपके चैम्बर में आपकी बुलेट रखी हुई है ये बुलेट आपकी मूव करना है। स्टार्ट हुई स्टार्ट हुई एंड यहाँ पर जाके ये लीव कर गई तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने जितने टाइम तक इस बीच में मोशन किया उसको हम बोलते हैं बैरल टाइम ठीक है अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ और है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा टाइम रहता है दैट मीन्स इंटरनल बैलिस्टिक्स में इंटरनल जो वेपन के अंदर टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है ठीक है सो बेसिकली इसमें तीन तरह के टाइम होते हैं लॉक टाइम इग्निशन टाइम एंड बैलर टाइम जिसको मैं बहुत ही डीपली बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुकी हूँ ठीक है so, सो अगर हम इन तीनों का एडिशन कर दें मतलब लॉक टाइम यानी कि सीयर रिलीज़ हुआ एंड रिलीज़ होते ही जैसे ही आपकी फायरिंग पिन ने प्राइमर कैप को हिट किया वो हो गया आपका लॉक टाइम इग्निशन टाइम जैसे ही आपकी फायरिंग पिन ने हिट किया प्राइमर के आपको एंड उसमें इग्निशन हुआ एंड जब का प्रॉपिलेंट था उसका जैसे ही फर्स्ट ग्रेन बर्न होना स्टार्ट हुआ तो इसके बीच के ड्यूरेशन को हमने कहा था इग्निशन टाइम ठीक है इसके बाद में जैसे ही आपने ट्रिगर को पुल किया था एंड बुलेट में मोशन स्टार्ट हुआ था तो जैसे ही बुलेट में मोशन स्टार्ट हुआ एंड उसने मजल इनको लीव कर दिया तो उसने जितने टाइम तक बैरल के अंदर मोशन किया बुलेट ने उसको हम बोलते हैं बैरल टाइम ठीक है तो ये सारे ही टाइम को अगर हम एडिशन कर दें इन सारे के सारे टाइम को अगर हम जोड़ दें तो अगर हम बात करें कि बुलेट ने या फिर जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हैं तो आपकी बुलेट को वेपन को लीव करने में टोटल कितना टाइम लगता है तो वो जो टोटल टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.03 से लेकर के 0.007 सेकंड्स तक का टाइम लगता है 0.003 सेकंड से 0.007 सेकंड्स तक का टाइम लगता है ठीक है सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो लॉक टाइम इग्निशन टाइम एंड बैलर टाइम रहता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है तो वो आपका ये रहता है जब सारे के सारे टाइम को आप ऐड कर देंगे तो अप्रोसीमेटली आपका ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री सेकेंड से लेकर के ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन सेकेंड्स तक का टाइम लगता है ठीक है सो तो ये हो गया यहाँ पर आपका लॉक टाइम इग्निशन टाइम बैलर टाइम इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है इंटरनल बैलिस्टिक्स इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सैबरल फिनोमिना जो आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है उसमें काफ़ी सारे फिनोमिना को इंक्लूड करा जाता है मतलब कि उसमें कई सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है सो so, इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले तो जो इग्निशन होता है उसके बारे में देखा जाता है देन बर्निंग ऑफ प्रोपिलेंट्स एंड जियोमेट्री ऑफ गन पाउडर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट एटमोस्फरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर शेप एंड का शेप ऑफ़ कार्टरेजेस थ्री पॉइंट सिक्स डेंसिटी ऑफ लोडिंग जो आपकी कार्ट्रेज होती है उसका शेप को देखा जाता है एंड ये कोई नंबर नहीं है इसके अलावा जो शेप होता है शेप ऑफ कार्ट्रेज एंड डेंसिटी ऑफ लोडिंग ठीक है ये देखा जाता है देन ट्विस्ट होता है राइफलिंग का उसको देखते हैं बुलेट फिट एंड वलॉसिटी ऑफ बुलेट एट मजल इसका एग्जामिनेशन होता है हीट जनरेशन एंड प्रॉब्लम स्ट्रेंथ ऑफ बैरल इरोजन कोरोजन और रस्टिंग ऑफ बैरल बुलेट ऑफ द वेपन रिकॉयल ऑफ द वेपन एंड फिनिना ऑफ बर्स्टिंग ऑफ बैरल ठीक है सो ये सारी की सारी चीज़ों का आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स के अंदर स्टडी करी जाती है ठीक है सो अभी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ ओवरऑल बता दिया है अभी इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में वीडियो आएंगे एंड एक एक करके मतलब दो दो तीन तीन करके मैं सबको ये पूरा आपका यहाँ पर ही इंक्लूड कर दूंगी ठीक है सो so, आपके लिए इनके सभी के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस आएंगे जहाँ पर आपको इनके बारे में पता चल जाएगा पूरा डिटेल में इसको समझाना पड़ेगा अभी ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे ऐसे ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए इनके सेपरेट वीडियोज़ आएंगे तो बहुत ही जल्दी इनके लिए भी वीडियोज़ आपके लिए आ जाएंगे ठीक है तो so बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको ओवरऑल बता दिया है जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्या फिनोमिना होता है एंड इसमें किस किस चीज़ की स्टडी होती है अभी जब जिन जिन चीज़ों की स्टडी होती है तो वो स्टडी किस बेसिस पर होती है उसमें क्या क्या होता है तो उनके बारे में बहुत ही डीपली हम सेपरेट वीडियोज़ में इनके बारे में देखेंगे ठीक है तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी पी शेयर कर दी रहती है अभी मैंने कंपाइल पी बनाई थी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की तो आई होप आप लोगों तक वाली पी पहुंच गई होगी एंड अगर नहीं पहुँचिए तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पर फेसबुक पेज पर मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा एंड वहां पर आपको वो वाली पी मिल जाएगी ठीक है इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर